सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगारों पर मुकदमा। बीते रोज सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगार कानूनी कार्रवाई की जद में आ गए हैं। पुलिस ने अनुमति के बिना धरना प्रदर्शन करने, सड़क जाम करने और दिन भर ट्रैफिक बाधित करने के आरोप में 750 युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डालवाला थाने में 2 और शहर कोतवाली में इन युवाओं के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखी गई है। बीते सोमवार को बेरोजगार युवाओं के विभिन्न संगठनों ने सीएम आवास कूच किया था। इसमें आंसू लिपि, कनिष्ठ सहायक एवं LT भर्ती के चयनित और JEE भर्ती के अभ्यर्थी शामिल थे। LT, आशुलिपिक और कनिक सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग उठा रहे थे, जबकि JEE भर्ती के अभ्यर्थियों ने 228 पद बढ़ाने की मांग उठाई। लेकिन पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ग्लोब चौक के पास सड़क पर जाम लगाया, जिसके बाद वे सीएम आवास की तरफ बढ़ गए। हाथीबड़ कला के पास इन्हें रोक लिया गया, जिस कारण यहां दिन भर सड़क जाम रही। इस पर हाथीबड़ कला चौकी इंचार्ज हर्ष अरोड़ा की तरफ से 2 अलग अलग प्रदर्शनों में शामिल युवाओं पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। ग्लोब चौक के पास जाम लगाने पर धारा चौकी पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED कर चुके उम्मीदवारों को 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने या न करने के मामले में सरकार कोई निर्णय लेती उससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता उमाकांत उनियाल ने प्रकरण में BEd उम्मीदवारों की ओर से SLP दाखिल कर दी है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए NIOS से DLED अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल करने और बाद में सरकार के अपने ही निर्णय को पलटे जाने के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। लगभग एक महीने पहले हाईकोर्ट इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला सुना चुका है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अमल किया जाए या फिर इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रकरण की विधि विभाग से राय ली जा रही है, लेकिन इससे पहले ही सरकार इस मामले पर कोई कदम उठाती, मंगलवार को BEd TET अभ्यर्थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। 8 भर्तियों की जांच के लिए आयोग ने बनाई विशेषज्ञ समिति। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने 8 भर्तियों की जांच को विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति सभी भर्तियों के हर पहलू को परखने के बाद आयोग को रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही इन भर्तियों का भविष्य तय होगा। दरअसल पेपर लीक विवाद से घिरे अधीन सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां गले की फांस बनी हुई हैं। इनमें से 4 भर्तियां तो ऐसी हैं जिनकी चयन सिफारिश आगे भेजी जानी है। आयोग के नए अध्यक्ष GS मर्तुलिया की अगुवाई में मंगलवार को आयोग की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 8 भर्तियों पर गंभीरता से विचार किया गया। तय किया गया कि ऐसी सभी भर्तियां जिनमें विभागों को चयन की सिफारिश भेजी जानी है, उनमें कई विधिक या प्रशासनिक अड़चने आ सकती हैं, लिहाजा आयोग ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो इन भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। तो LT भर्ती जो कि 1431 पदों पर थी, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक 600 पद, कनिष्ठ सहायक के 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती 250 पद, वाहन चालक भर्ती 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक 157 पद, मत्स्य निरीक्षक भर्ती 26 पद और मुख्य आरक्षी पुलिस दूर संचार भर्ती 272 पद। सिंचाई विभाग में ड्राइवरों के 119 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। तो सिंचाई विभाग में शीघ्र ही ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। DLED प्रशिक्षकों का सचिवालय कूच। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED प्रशिक्षित शिक्षकों ने नियुक्ति के शासनादेश की मांग को लेकर के मंगलवार को सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें सेंट जोसेफ स्कूल के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने करीब 3 घंटे तक वहीं धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की।
शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सीएम को लिखेंगे पत्र। तो प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। शिक्षकों की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षकों की कोई कमी महसूस न हो। 8 भर्ती परीक्षाओं की भी होगी।